बाप ने बताया है कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे, क्या जो एक्यूरेट सतयुग स्थापन होगा उसमें आबादी दुनिया की 9 लाख ही होगी। क्यों 9 लाख? क्यों कम ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि 9 लाख सितारे दुनिया में गाये हुए हैं, क्या जो आसमान में सितारे हैं उनकी संख्या कितनी गाई हुई है? 9 लाख आसमान में सितारे चमकने वाले हैं, वो हैं आसमान के सितारे और ये है चैतन्य धरती के सितारे 9 लाख। उनमें भी 4.5 लाख चमकते हैं चंद्रमा की रोशनी में और 4.5 लाख सूर्य सूर्य की रोशनी में अपने ज्ञान को मर्ज कर देते हैं। उनको अपने ज्ञान का नशा नशा नहीं रहता, उनके लिए बाप ही सब कुछ है। और चंद्रमा की रोशनी में पड़ने वाले सितारे अपने को वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने को मर्ज नहीं करते। तो जो अपने को मर्ज ही नहीं कर पाते, अपने को पूरा राख ही नहीं बना पाते, स्वाहा नहीं कर पाते, वो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो बोला भक्तवाणी में, अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। जो अपने देवानों को राख बना दे, जैसे पांडवों का गायन है, क्या ऊंची स्टेज में जाकर गल मरे, अपने देवानों को गलाई दिया। तो सतयुग में 9 लाख होंगे, वो फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। उन 9 लाख में 10 दासियां भी तो होंगी ना, सारी प्रजा ही प्रजा होगी और प्रजा में 10 दासियां भी होंगी, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं ऐसी 10 दासियां भी होंगी, क्या 10 दासियां भी कोई कम नहीं होंगी। कहेंगे इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, 84 जन्म ही जास्ती से जास्ती गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति परीक्षा पास करेंगे वो तो पहले पहले आवेंगे और जिन्होंने अच्छी रीति परीक्षा पास नहीं की है, कुछ कम मार्क्स पास किए हैं, वो बाद में आते जाएंगे। जितना देरी से जावेंगे, जितना देरी से दुनिया में नई दुनिया में जावेंगे, उतना मकान पुराना तो कहेंगे ना। यस, एक जन्म के बाद कोई आता है तो कहीं 83 जन्म, 100-150 साल कम हो गया, माना मकान पुराना हो गया, नया मकान बनता है, कोई भी नया मकान बनता है तो दिन प्रतिदिन उसकी आयु कम होती जाती है। नए मकान बनने के बाद उसकी आयु बढ़ती है या घटती है? घटती घटती जाती है। कोई नया मकान बनावे तो कहेंगे 2-3 वर्ष तक चलेगा, आखिरी वो मकान सड़ ही जाता है। वहां तो सोने के महल बनते हैं, कहां नई दुनिया में, नई दुनिया में। मिट्टी की ईंटों के मकान नहीं होंगे, पत्थर के मकान नहीं होंगे, सोने की ईंटें बनेंगी, कारखाना बनेगा, आत्मा सोने का चैतन्य, चैतन्य आत्मा रूपी ईंटें जो है वो सच्ची सोने की होंगी, उनमें कोई भी झूठा आदमी नहीं, झूठा आदमी नहीं होगा। तो जो सोने का महल बनेगा वो जल्दी तो पुराना हो नहीं सकता, सोना तो बहुत लंबे समय तक चमकता रहता है ना,
फिर भी सोने को साफ तो जरूर करना पड़ेगा। भले कितने भी चमक मारने वाला सोना हो, फिर भी कुछ न कुछ समय के बाद उसमें गंदगी चढ़ जाती है और वो सफाई उसकी करनी पड़ती। जेवर घन सच्चे सोने का बना हो, आखिरीन फिर भी उस जेब को जेवर की सफाई करनी पड़ती। तो भी साबित होता है कि तुम बच्चों की आत्मा सोने मिसल थी, सोने जैसे थे, सच्चे थे, फिर कलयुग के अंत में उसमें अचार चढ़ जाते हैं, तो सफाई करनी पड़ती है। सफाई के बाद फिर उनमें पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यही खुशी होनी चाहिए कि हम तो नई दुनिया में जा रहे हैं। क्या तुम बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए? और तथाकथित बेसिक ब्राह्मण वालों को ये खुशी नहीं होगी क्या कि हम नई दुनिया में जीते जी जाने वाले? वो क्या समझेंगे? शरीर छूट जाएगा, फिर कभी अगले जन्म में हम नई दुनिया में जावेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम तो इस शरीर से इसी जन्म में जीते जी नई दुनिया में जाने वाले। इस नरक में हमारा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद इस दुनिया में हमारा कोई जन्म होने वाला नहीं है।